हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब? होप आर आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं साग बनाने जा रही हूँ एकदम पंजाबी स्टाइल में। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 प्याज कट कर लिए हैं, लहसुन और मिर्ची और 3 टमाटर। ये मैंने साग को बॉयल करने के लिए रख दिया था कुकर में, ये उबल गया है एकदम अच्छे से। अब हम इसको घोटेंगे, एकदम अच्छे से घोट लेंगे, क्योंकि घोटने से ही इसका सारा कुछ अच्छा, जब हम साग बनाएंगे तो एकदम अच्छा लगेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे डाला है मक्के का आटा, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि ये एकदम अच्छे से मिल जाए। एकदम अच्छे से हम इसको घोटेंगे ताकि ये बनने पे एकदम अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। फिर मैं इसको तेल से इसका तड़का लगाऊंगी। तेल से इसका जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालो तो ही अच्छा लगेगा। तेल अब हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे मेथी। मेथी हमारी जब चटकने लगे तब समझो ये हो गया, अभी ये हुआ नहीं है। एकदम ज़्यादा हमें नहीं इसको भूनना है, थोड़ा सा ही भूनना है हमें। ये हमारी मेथी हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्च और लहसुन। इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। प्याज जब थोड़ा ब्राउन हो जाए, ये देखिए मेरा प्याज ब्राउन हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर हमने 3 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के। ये एकदम अच्छे से जब गल जाए फिर हम इसमें डालेंगे साग। ये हमारा टमाटर हो रहा है, ये देखिए अब अच्छे से एकदम गल गया है टमाटर हमारा। अब हम इसमें डालेंगे साग। ये देखिए साग मेरा, मक्के का आटा मैंने मिलाया है एकदम अच्छे से घोट के, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम मिला मिला सा। अगर आप एक साथ मक्के का आटा डाल देंगे तो फिर इसमें जो छोटी छोटी गुठलियाँ होती हैं ना, वैसा हो जाएगा इसमें आटे का, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मिलाओ और घोटते जाओ एकदम अच्छे से। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि इसका जो तड़का है वो एकदम साग में मिल जाए। ये हमारा अच्छे से एकदम मिल गया है। इसको हमें चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर पे, नहीं तो ये नीचे लगने का डर रहता है, क्योंकि हमें लो हाई फ्लेम पे इसको भूनना है। और इसको हमें कम से कम 10 या 15 मिनट तक हमें इसे भूनना ही है ताकि ये अच्छा और अच्छा हो जाए। जितना हम इसको भूनेंगे उतना ही अच्छा होगा। अब हम इसमें नमक मिलाएंगे। नमक मैं तो सारे मसाले चम्मच से ही मिलाती हूँ, बट मैं नमक हाथ से ही मिलाती हूँ, क्योंकि मेरा अंदाज़ा हाथ से ही सही रहता है, मैं चम्मच से नहीं मिला पाती। बट अगर आप चम्मच से मिलाते हैं तो चम्मच से ही मिलाइए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए मेरा साग एकदम कम्प्लीटली बन गया है, एकदम अच्छे से आप भूनिए, जितनी देर भूनेंगे उतना ही अच्छा बनेगा आपका साग। और आपको एकदम हाई फ्लेम पे रखना है गैस को, और चलाते रहना है बीच बीच में। ये देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। ये देखिए मेरा साग बन गया है। आप भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी ट्राई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।